हे गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल इंडियन मॉम कंचन। सो गाइस, सुबह का टाइम था। एक्चुअली आज ग्रहण है, इसी वजह से सुबह सुबह मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। बहुत सुबह का टाइम है ये, और इस टाइम मैं ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। और ब्रेकफास्ट में आज बनने वाली है रवा इडली, और उसके लिए मैंने सबसे पहले ये सांभर की तैयारी कर ली है। सांभर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले दाल वॉश कर ली है, अरहर की दाल। उसके बाद उसमें जो कटी हुई सब्जियाँ है वो डाल दी है, जैसे कि टमाटर और क्या बोलते हैं लौकी, और जो भी चीज़ें मेरे पास थी, आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप डाल सकते हो। तो प्याज वगैरह मैंने इसमें ऐड किया है, टमाटर भी इसी में ऐड किया है, थोड़ी सी हल्दी ऐड की है, और बस इसे मैं बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो बस ये बॉईल हो जाएगा, उसके बाद मैं यहाँ पर तैयारी कर रही हूँ इडली की। तो यहाँ पर मैं रवा इडली बना रही थी, तो इसीलिए मैंने रवा लिया है, मतलब सूजी, और उसके बाद गाजर कद्दूकस करके डाल दिया है उसमें, और दही डाला है, मतलब 2 चम्मच। तो यहाँ पर 2 कटोरी मैंने सूजी ली थी, तो गाजर लिया है और 2 चम्मच मैंने दही डाला है उसमें, और बस इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मैंने उसे में इनो ऐड किया है, एक्चुअली मैंने पहले ही इनो ऐड कर दिया है। तो आपको पहले थोड़ा सा पानी डालना है, उसके बाद आपको इनो ऐड करना है पानी डालने के बाद। तो यहाँ पर मैंने पहले ही डाल दिया था, तो कोई बात नहीं, ऐसे भी हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बट बेटर रहेगा कि आप पहले पानी डाल दो, उसके बाद आप इनो डाल के उसे फेंट लो अच्छे से। तो यहाँ पर मैंने वो डाल दिया है, और उसके बाद ये बैटर हमारा रेडी हो गया है। थोड़ा सा नमक डालना है इसमें भी, और उसके बाद ये बैटर रेडी हो जाएगा। थोड़ा सा हमें पतला ही रखना है पहले, क्योंकि ये जो मतलब सूजी जो होती है वो पानी खींच लेती है, इसी वजह से थोड़ा सा हमें पतला रखना है पहले। थोड़ी देर हम इसे रखेंगे तो फिर उसके बाद वो हो जाएगा, उसका पानी खींच जाएगा। नहीं तो हम अगर इसे पहले ही गाढ़ा रखेंगे तो फिर वो ज़्यादा ही गाढ़ा बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं इडली के जो स्टैंड है उसे ग्रीस कर ले रही हूँ थोड़ा सा ऑयल लगा के, और फिर जो बैटर है हम इसमें डालेंगे और उसे इडली के स्टैंड में रख देंगे। तो मैंने यहाँ पर इडली के जो क्या बोलते हैं कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और उसके बॉईल होने के लिए रख दिया है। तो बस वो बॉईल हो जाएगा, उसके बाद ये भी रेडी हो जाएगा, और फिर ये रख दूँगी। हमारी इडली भी रेडी हो रही होगी, क्योंकि और हाँ, इसमें मैंने सिर्फ गाजर डाला है। तो आप जैसे कि कैप्सिकम और भी चीज़ें आपको जो चाहिए वो, तो वो आप इसमें ऐड कर सकते हो, और इसको आप राई का तड़का भी लगा सकते हो। बट मैं थोड़ा सा डाइट के लिए सोच रही थी, मतलब थोड़ा सा हेल्दी ऑप्शन, इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल यूज़ नहीं किया है इसमें। नहीं तो आप इसे राई का तड़का भी इसमें लगा सकते हो, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और वेजेस ऐड करोगे ना और ज़्यादा, तो मतलब और भी ज़्यादा हेल्दी बनेगा। बट मेरे पास सिर्फ गाजर था, तो इसीलिए मैंने गाजर ही डाला। और तो बस इसे लीड लगा के रख देंगे, और वेट करेंगे हम लोग 20 मिनट तक, फिर हमारी इडली भी रेडी हो जाएंगी। तब तक मैं यहाँ पर सांभर की तैयारी करूँगी। तो सांभर के लिए दाल जो है वो बॉईल हो चुकी थी मेरी, और उसके बाद यहाँ पर मैंने ऑयल डाला है। आप कम भी ऑयल यूज़ कर सकते हो, आपको जितना ऑयल चाहिए उतना, थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल डल गया था। और बस ऑयल डालेंगे, और यहाँ पर जो दाल और वो बना के रखा था हमने सांभर के लिए तैयारी करी थी, तो उसे मैंने रवि से फेंट लिया है। और उसके बाद यहाँ पर क्या बोलते हैं मैंने उसमें डाला है ये इमली का पानी, और उसके बाद भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी इसे। और उसके बाद हम लोग तड़के की तैयारी करेंगे, मतलब सांभर के तड़के की तैयारी। थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दूँगी इसमें ही, आप चाहो तो बाद में भी नमक ऐड कर सकते हो, बट मैं इसी में ऐड कर दे रही हूँ। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बना रही थी इसीलिए सारी चीज़ें ऐसी हो रही थी। तो यहाँ पर तेल गर्म हो गया था, तो मैंने जीरा राई ऐड कर दिया इसमें। जीरा राई चटकने के बाद मैंने थोड़ा सा हींग ऐड किया, और उसके बाद कड़ी पत्ता एक्चुअली नहीं था, तो इसी वजह कड़ी पत्ता नहीं ऐड किया। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च इसी में ऐड की, और हरी मिर्च ऐड नहीं की थी मैंने, इसी वजह से लाल मिर्च ऐड की है। और आप चाहो तो हरी मिर्च भी ऐड कर सकते हो जब आप बॉईल करते हो उस टाइम। और यहाँ पर ये सांभर मसाला मैंने इसमें ऐड किया है, ऑयल में ही सांभर मसाला ऐड करना है आपको, और अच्छे से इसे चला लेना है ताकि ये मसाला भून जाए। और बस इसी में आपको वो सारी चीज़ें ऐड करनी है जो हमने सांभर रेडी किया था, वो ऐड करना है। दाल जो रेडी की थी हमने वो ऐड करनी है इसमें, और बस इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से। आपको कंसिस्टेंसी जैसी चाहिए वैसे आप रख सकते हो, किसी को गाढ़ा पसंद होता है, किसी को पतला पसंद होता है। मुझे तो मतलब जितना पतला हो उतना ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे, तो मैं थोड़ा सा पतला ही रखती हूँ। बट आज ना थोड़ा सा गाढ़ा रख दिया था, क्योंकि कढ़ाई इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इसी वजह से मैंने ना थोड़ा सा वो रख दिया था, नहीं तो बहुत ज़्यादा पतला मुझे अच्छा लगता है। मैं थोड़ी सी ही दाल लेती हूँ और बाकी वेजेस ही ऐड करती हूँ ज़्यादातर। तो बस इस तरह से कंसिस्टेंसी मैंने रखी थी, और उसके बाद मेरी इडली भी बन गई थी, ये सांभर भी रेडी हो गया था।
कड़ी पत्ता होता तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता और भी टेस्ट बढ़ जाता उसका। कड़ी पत्ता का पेड़ है मेरे पास, मतलब पेड़ नहीं है वो, पौधा ही है छोटा सा, बट उसका कड़ी पत्ता मैं बहुत कम तोड़ती हूँ, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी रही तभी तोड़ती हूँ, वरना ऐसे ही काम चला लेती हूँ। और आजकल ये कड़ी पत्ता भी नहीं ला रहे तो वैसे ही हो रहा है काम, मतलब काम ही चलाना पड़ रहा है, जैसे कि जो है उसी में काम चलाना पड़ रहा है तो वैसे ही हो रहा है। कड़ी पत्ता नहीं है था इसी वजह से मैंने ये ऐसे ही काम चला लिया। और उसके बाद मैंने ऊपर से धनिया डाला है क्योंकि धनिया डालना मैं भूल गई थी, धनिया पाउडर डालना मैं भूल गई थी, तो इसी वजह से मैंने ऊपर से धनिया पाउडर डाला है और बस इसे बॉईल होने दूंगी। और हाँ, पहले ना मैं इसमें चीनी ऐड करती थी थोड़ा सा मिठास आने के लिए इसमें, तो अब ना मैं गुड़ ऐड करने लगी हूँ क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे बताया था कि गुड़ ऐड करने से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है, और वो साउथ से थे तो इसी वजह से वो बोल रहे थे कि प्रॉपर जो रेसिपी है, मतलब जेन्युइन रेसिपी इसकी, उसमें गुड़ ही डलता है, तो इसीलिए मैंने गुड़ ही डाला। और फिर ये जो बन गया मेरा सांभर, और उसके बाद मैंने जो आपको दिख रही है साइड में वो मूंगफली की चटनी बनाई थी इसके साथ, और फिर ये रेडी हो गई थी मेरी प्लेट ब्रेकफास्ट की। फिर इसमें मैं और अद्विक खाने वाले हैं और माही के लिए अलग से प्लेट रेडी की थी, तो ये है हम दोनों की प्लेट, अद्विक और मेरी, और माही की प्लेट अलग होगी क्योंकि अद्विक को मुझे खिलाना पड़ता है, तो इसी वजह से मेरी प्लेट में वो खाता है और माही अपने आप खा लेती है, इसी वजह से मैं उसको अलग से प्लेट देती हूँ। तो ये है हमारा यम्मी सा ब्रेकफास्ट, और बहुत ज़्यादा हेल्दी है ये वाला ब्रेकफास्ट, मतलब चटनी भी और क्या बोलते हैं सांभर भी बहुत हेल्दी है, और उसमें वेजेस डलती है बहुत सारी, तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। आप अगर वेट लॉस करना चाहते हो तो ये वाला ब्रेकफास्ट ज़रूर ट्राई करना, तो आपको अच्छा भी लगेगा, टेस्टी भी लगेगा, और उसके साथ साथ आपके लिए हेल्दी भी रहेगा, हेल्दी ऑप्शन में आता है ये। और मैंने आपको जैसे कि बताया था कि मैं हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर दिया करूँगी, तो ये रही हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, आप इसे ट्राई कर सकते हो और वीक में एक दो बार बना लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और फिर आगे में भी मैं रेसिपी शेयर करती जाऊंगी आपके साथ हेल्दी ब्रेकफास्ट रेसिपी, तो वो आप बनाते रहना और आपके वेट लॉस में भी वो बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो चलिए फिर यहाँ पर मैं अपने जो बर्तन थे रात के, जो बर्तन मैंने वॉश करके रखे थे, तो वो मैं यहाँ पर अपनी जगह पर लगा दूँगी और उसके बाद अपने कामों में लग जाऊँगी। और आज ग्रहण है तो इसी वजह से उसके बाद तो खाना नहीं होगा, इसी वजह से मैंने जल्दी ब्रेकफास्ट बना लिया था और हम लोगों ने कर भी लिया था ब्रेकफास्ट। उसके बाद मैं नहा धो के रेडी हो गई हूँ यहाँ पे, और उसके बाद ये जो काम है किचन के वो ख़त्म कर लूँगी, उसके बाद मैं अपने दूसरे कामों में लग जाऊँगी। तो ये जो बर्तन होते हैं वही मैं पहले सबसे पहले तो निकालती हूँ और अपनी जगह पर रखती हूँ, क्योंकि मुझे ये जो क्या बोलते हैं स्टैंड है बर्तन रखने का वो खाली चाहिए होता है, ताकि जो बाद में बर्तन निकलेंगे तो वो मैं उसमें वॉश करके रख सकूँ, तो इसीलिए मुझे वो खाली चाहिए होता है, तो मैं सबसे पहले उसे खाली करती हूँ और उसके बाद मैं बाकी के काम भी हूँ। तो मतलब बाकी के काम मीन्स वही क्लीनिंग और सब, बाकी के काम वही होता है, तो प्याज का स्लैब भी क्लीन करना होता है क्योंकि थोड़ी सी गंदगी भी हो जाती है वहाँ पर, तो वो भी क्लीन कर लूँगी। उसके बाद गैस भी थोड़ा सा करना ही पड़ता है क्लीन, क्योंकि गैस पर भी छींटे उड़ जाते हैं, तो इसी वजह से गैस भी बाकी बाद में क्लीन कर लूँगी। और हाँ, आज मुझे एक्चुअली खाना नहीं बनाना है, तो मैं पूरा क्लीन ही करके जाऊँगी, ये किचन क्लीन ही करना है मुझे सबसे पहले, क्योंकि आज लंच नहीं बनेगा क्योंकि मैंने इडली थोड़ी सी ज़्यादा बना ली है, और ये सुबह टिफ़िन लेके गए थे, मतलब सब्जी रोटी का, तो इसीलिए उधर से आने के बाद, मतलब ड्यूटी से आने के बाद थोड़ा सा ही खाएंगे लाइट सा, तो इसीलिए इडली उनके लिए है और मेरे लिए भी है, अगर मुझे भूख लगी तो बीच में, तो मेरे लिए भी है और बच्चों के लिए भी है, तो इसीलिए मुझे बाकी का टेंशन नहीं है, मतलब लंच का, तो इसी वजह से मैं सबसे पहले किचन क्लीन करने लग गई थी, तो बाद में बाकी का काम होते रहेगा। एक्चुअली बाकी के काम तो सभी हो ही चुके हैं लगभग, और बस किचन ही क्लीन करना था। It's all you need.
गाइस, काफ़ी देर के बाद आप लोगों से बात कर रही हूँ और आज एक्चुअली ग्रहण है, तो अभी बज रहे हैं 12:30 और आज ग्रहण है इसी वजह से हम लोग बाहर नहीं निकल रहे। एक्चुअली क्या हुआ है कि मम्मी का कॉल आया था और मम्मी बोल रही थी कि बच्चों को बाहर मत निकलने देना, क्योंकि बच्चों के ऊपर और थोड़ा सा क्या बोलते हैं, जो जिनकी तबीयत वगैरह ख़राब नहीं है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसीलिए मम्मी बोल रही थी बच्चों को बाहर मत निकलने देना। तो इसीलिए मैंने दरवाज़ा जो है बंद करके रखा है बाहर का, और खिड़कियाँ वगैरह भी बंद कर दी है, और ये जो है यहाँ पे मंदिर का दरवाज़ा भी बंद करके रखा है, तो सारी मतलब इसी वजह से थोड़ा सा अंधेरा यहाँ पे आ रहा है। कर्टन्स वगैरह भी लगा दिए हैं, देखिए कर्टन्स भी लगा दिए हैं, और बाहर का भी। बेडरूम में बात करने वाली थी आप लोगों से, बट बेडरूम में तो बहुत ज़्यादा अंधेरा हो रहा है, वहाँ पर लाइट लगाने के बाद भी इतना अच्छे से नहीं दिख रहा था, तो इसी वजह से मैं किचन में आ गई। मैंने सोचा थोड़ा सा बात कर लेती हूँ आप लोगों से। और हाँ, काफ़ी लोगों के क्वेश्चन आ रहे थे कि आप मतलब ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, ब्लॉग क्यों नहीं बना रही हो, तो मैंने सोचा चलो आपको बता भी देती हूँ कि क्या हुआ था, ब्लॉग क्यों नहीं अपलोड कर रही थी, ब्लॉग बना क्यों नहीं पा रही थी। एक्चुअली क्या हुआ था कि मेरे ससुराल वाले आए थे यहाँ पे, तो मतलब ननद आई थी वहाँ पर गाँव में, तो इसी वजह से ननद को हम लोग लेके आए थे यहाँ पे। ननद, नंदोई, उनका बेटा, जेठानी मतलब दीदी, और फिर उनके बच्चे, और मेरी मम्मी मतलब मेरी सासू माँ, तो वो आई थी। इसी वजह से मैंने उनको टाइम देना ज़रूरी समझा। मैंने सोचा कि ब्लॉग तो हमेशा ही कही है, मैं ब्लॉगिंग तो हमेशा ही करती हूँ, बट वो 4-5 दिनों के लिए आए हैं, तो इसीलिए उनको टाइम दिया। तब से मैंने हाथ में कैमरा भी नहीं लिया, ब्लॉगिंग बिल्कुल नहीं की, मतलब कुछ भी शूट नहीं किया। बहुत सारी रेसिपीज भी बनी उस टाइम, बहुत सारे अच्छे अच्छा खाना भी बना, बट कुछ भी शूट नहीं किया मैंने। मतलब ये था कि नहीं, मैं ब्लॉग नहीं बना रही हूँ, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं शूट करना है मुझे, उनको टाइम देना है मुझे पूरा, तो इसी वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया उनके सामने, और बस उनको सारा टाइम दिया। तो मुझे लगा कि आप भी समझ जाओगे कि होता है, घर वाले आते हैं तो उनको टाइम देना पड़ता है, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कुछ बोलते हैं ये करने के लिए, वो था कि वो कुछ दिनों के लिए ही आते हैं, तो उनको टाइम देना ज़रूरी था, इसी वजह से उनको टाइम दिया। इसीलिए मैंने ब्रेक ले लिया था थोड़ा सा 4-5 दिन का, और मेरे चैनल पे पहली बार हुआ है, मतलब जब से मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू कर रही हूँ तब से इतना ज़्यादा गैप मैंने पहली बार लिया है। और थैंक यू आप सभी को, आप लोगों ने इतनी ज़्यादा केयर दिखाई इंस्टा पे आके, आप मुझे पूछ रहे थे, आपने मतलब बहुत से लोग ये भी पूछ रहे थे कि आपकी तबीयत तो ठीक है ना, बच्चों की तबीयत तो ठीक है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि चलो आपको केयर है, मतलब आप लोग इतनी ज़्यादा केयर दिखाते हो, इसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि आप लोगों को मेरी चिंता है, बच्चों की चिंता है। और बहुत से लोग इंस्टा पे भी पूछ रहे थे, उनको मैंने बताया था एक्चुअली गेस्ट आया है, बट इतना डिटेल में नहीं बता पाई थी कि ज़्यादा ऑनलाइन भी नहीं आ रही थी, इंस्टा पे भी ऑनलाइन नहीं आ रही थी, बट इंस्टा पे तो भी थोड़ा सा मैं ऑनलाइन आती थी, बट दूसरी जगह पे मैं बिल्कुल ऑनलाइन भी नहीं आई, कुछ भी नहीं, मैंने उनको सारा टाइम दिया और उनके साथ मस्ती वगैरह बच्चों के साथ, और उसी में टाइम चला जाता था खाने पीने में और मस्ती वगैरह करने में, उसी में टाइम चला जाता था, इसी वजह से इतना टाइम भी नहीं मिला मुझे। आप लोगों के इतने सारे ब्लॉग पे कमेंट आए, इतने सारे कम्युनिटी पे आपने पूछा, तो इसीलिए बताना पड़ा मुझे फाइनली कि क्या हुआ था, रीज़न क्या था कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही थी। तो चलिए अभी काम में लग जाते हैं। एक्चुअली मैंने कपड़े वगैरह वॉश करके रखे हैं, बट मैंने सोचा चलो अभी 1:30 बजे ग्रहण निकल जाएगा, उसके बाद मैं बाहर डाल दूंगी कपड़े। ऐसा कुछ नहीं है कि बाहर नहीं जा सकते हैं, बट मैंने सोचा चलो जाने दो, अभी मैं अगर बाहर निकलूंगी तो बच्चे भी बाहर घूमते हैं, तो इसीलिए मैंने सोचा थोड़ी देर के बाद डालती हूँ कपड़े भी सुखाने के लिए। कपड़े भी वॉश करके रखे हैं, नहा लिया है सब लोगों ने, अब एक बार और नहाना पड़ेगा जब ग्रहण निकल जाएगा, बच्चों को भी नहला दूंगी और मैं खुद भी नहाऊंगी, तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ आपसे। एक्चुअली मैं यहाँ पर गैस के स्लैब को क्लीन करने वाली हूँ, तो बहुत सारा गलाटा पड़ा था यहाँ पे, मतलब सारी चीज़ों का, तो इसीलिए मैंने सोचा चलो इसको सबसे पहले क्लीन कर लेती हूँ और उसके बाद फिर रिलैक्स हो जाऊँगी मैं, क्योंकि किचन क्लीन हो जाएगा तो फिर रिलैक्स हो जाऊँगी, तो इसीलिए ना मैंने सबसे पहले ये सारी चीज़ें मतलब बर्तन उठाने लग गई और सारे बर्तन वगैरह अपने जगह पे रख दिए, जो बर्तन क्लीन करने के थे वो सिंक में रख दिए, और फिर बाकी जो गैस है उस पर भी छींटे उड़े थे, तो सबसे पहले मैंने थोड़ा सा स्क्रबर से उसे मतलब थोड़ा सा घिस लिया, और उसके बाद इधर उधर भी छींटे उड़ ही जाते हैं कुछ बनाओ तो सांभर वगैरह के छींटे पड़े थे तो थोड़ा सा उड़ गए थे वो क्या बोलते हैं टाइल्स पे, तो मैंने वो भी क्लीन कर लिए लगे हाथ, क्योंकि लगे हाथ अगर क्लीन करते हो ना तो फिर ज़्यादा ज़िद्दी नहीं दाग पड़ते हैं, नहीं तो फिर वो होता है ना कि वो चिपक जाते हैं और फिर उसके बाद मुश्किल होता है वो दाग, तो मैं ना ऐसे ही करती हूँ, मतलब जैसे ही वो दाग गिरते हैं तो वैसे ही क्लीन कर लेती हूँ, ताज़े होते हैं तो जल्दी निकल जाता है, उसके बाद फिर ज़िद्दी हो जाता है ना तो बिल्कुल नहीं निकलते हैं, बहुत मेहनत लगती है उसमें निकालने में, तो इसीलिए सबसे पहले ये क्लीन कर लूँगी। गैस भी क्लीन हो गया है, गैस का स्लैब भी क्लीन हो गया है,
और मैंने ना सुबह ही ये चने डाल दिए थे भिगोने के लिए, तो अच्छे से फूल गया है वो। तब इसका पानी पूरा निकाल दूंगी और उसके बाद इसे अच्छे से गर्म जगह पे रख दूंगी एक ढक के, तो इसके क्या बोलते हैं स्प्राउट्स बन जाएंगे और उसके बाद ये अच्छे से मतलब चाट वगैरह बना सकते हैं हम इसका, और वैसे कच्चे भी खा सकते हैं, तो बहुत हेल्दी रहता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है इसमें, तो अच्छा रहता है खाने में। इसीलिए मैं ना इसको अच्छे से ढक के रख दूंगी अभी यहाँ पे, और इसे मैं माइक्रोवेव में रख दूंगी ताकि ये गर्म जगह पे रहेंगे ना तो बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे, तो इसीलिए मैं यहाँ पर गर्म जगह पे रख रही हूँ इसे। मैं यहाँ पर माइक्रोवेव में रख रही हूँ, आप कोई भी गर्म जगह पे इसे रख सकते हो, इससे ये बहुत ही अच्छे से अंकुरित हो जाएंगे और उसके बाद फिर ये खाने हो जाएंगे। ऐसे ही मैं मटकी और मूंग भी ऐसे ही करती हूँ, गर्म जगह पे ऐसे ही रख देती हूँ। आप इसमें कपड़ा बांध के भी रख सकते हो और वैसे भी रख सकते हो, वैसे भी अंकुरित हो ही जाएंगे। और किचन क्लीन हो गया था, यहाँ पर मैं कपड़े डालने के लिए आ गई थी। वैसे मैं कपड़े सुखाने के लिए ऊपर भी डाल सकती थी, ऊपर वाले रूम में आपको पता ही है स्टैंड है, तो वहाँ पर भी डाल सकती थी, बट इस मौसम में ना थोड़ी सी स्मेल आने लगती है कपड़ों की, तो इसीलिए थोड़ी सी धूप लगनी भी ज़रूरी होती है, इसीलिए मैं धूप में डालने आ गई थी। तो गाइस चलिए फिर इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ और मिलती हूँ अच्छे से नए ब्लॉग में आपसे। और हाँ, आज किसी का बर्थडे है, मतलब आज 21 को मेरे एक सब्सक्राइबर है प्रियंका गोसावी, उनका बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे डियर प्रियंका, आपको आपकी लाइफ में सारी खुशियां मिले और आप जो चाहो आज के दिन वो मिल जाए आपको, और आपकी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छे से जाए। और उन्होंने अपनी बेटी का नाम लेने के लिए भी बोला था, तो उनकी बेटी का नाम है रिया। तो हेलो डियर रिया, कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए और हैप्पी रहिए। तो चलिए फिर इसके साथ ही इस ब्लॉग को यही पे एंड करती हूँ। आई होप आपको ये छोटा सा ब्लॉग पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और मेरे और दो चैनल है, तो आप चाहो तो मुझे वहाँ पर भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मेरा एक मराठी ब्लॉग चैनल है और एक और चैनल है जिसपे मैं प्रोडक्ट के रिव्यूज, ब्यूटी रिलेटेड टिप्स वीडियोज, हॉल वीडियोज, कप वीडियोज इस तरह से डालती रहती हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और मेरा इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप चाहो तो मुझे इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आपसे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल, बाय।